हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडू केयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 15 फन विथ मैग्नेट्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसमें आज हम सीखेंगे पार्ट थर्ड। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने फिनिश किया है, तो वो वीडियो नहीं देखा तो आपने मेरे चैनल अब्दुल एडू केयर के पास जाकर फटाफट देख लीजिए। और मेरे चैनल अब्दुल एडू केयर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज हम थर्ड पार्ट करेंगे और इसमें आज हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इधर तक हमारा ये जो दिस मैग्नेटिज्म इज टेम्पररी तक हमने ख़त्म किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज used in many places in our day-to-day life. तो हमारी ये day-to-day life, हमारी जो रहने वाली जो रोज़ की ज़िंदगी है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत जगह बहुत सारे places पर use होता है हमारी ये पूरी life में। अभी for example, it is used in instruments such as doorbell and a crane. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस में यूज़ होता है दोस्तों? इंस्ट्रूमेंट सच एज डोरबेल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ होता है, और क्रेन में भी, कोई भी चीज़ को वन प्लेस टू अनदर प्लेस करने के लिए भी, और या इलेक्ट्रोमैग्नेट की चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑन द अदर हैंड, द मैग्नेट्स फिक्स्ड टू अ पिन होल्डर और द डोर ऑफ ए कबर्ट आर परमानेंट मैग्नेट्स। तो जो मैग्नेट्स पिन होल्डर में रहते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था, और कबर्ट के जो डोर को होते हैं, तो कबर्ट के दरवाजे को होते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। और ये है टेम्प्ररी मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो किससे बने हैं, किसकी मिक्सचर से बने हैं? निकल, कोबाल्ट और आयरन के मिक्सचर से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मटीरियल एलनिको इज अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड निकल एंड कोबाल्ट। तो जो मटीरियल है एलनिको, ये किसका मिक्सचर है? एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का। तो अभी इन द पास्ट द ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फराडा डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो जो ब्रिटिश का साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फराडा, उसने क्या किया, फराडे, तो उसने डेवलप किया कौन सी टेक्निक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, और कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, जैसे उगाने के लिए कुछ भी। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो किसकी हेल्प से, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। माइकल फराडे वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। तो माइकल फराडे जो तो साइंटिस्ट था ब्रिटिश का, वो कौन से फैमिली में, एकदम गरीब फैमिली में उसका जन्म हुआ था। एज अ यंग बॉय ही हैड टू वर्क विद अ बुक सेलर। तो जब से वो छोटा था, उसको कौन से दुकान में उसे बुक सेलर, तो जहाँ बुक सेल होती है वो दुकान में, स्कूल की बुक्स, वो दुकान में उसे काम करना पड़ता था जब वो छोटा था। देयर ही रीड मैनी बुक्स एंड डेवलप एंड इंटरेस्ट इन साइंस। तो उधर उसने क्या किया, बहुत सारे बुक्स पढ़े और उसने क्या किया, अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, अपना इंटरेस्ट बनाया किसमें, साइंस में। लेटर ही वेंट ऑन टू डू रिसर्च एट द रॉयल इंस्टीट्यूट इन लंडन। तो बाद में वो किधर गया, वो रिसर्च करने के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट गया, कहाँ, लंडन में। इट इज़ ड्यू टू फराडेज रिसर्च दैट टूडे वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन अन्यूमरेबल इंस्ट्रूमेंट्स इन आर डे टू डे लाइफ। तो ये जो फराडेज, तो ये जो माइकल फराडे, फराडे की रिसर्च की वजह से ही आज हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ कर रहे हैं इन्यूमरेबल इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में इन आर डे टू डे लाइफ, उसके रिसर्च के वजह से ही। नहीं तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग को कैसे मालूम पड़ता इसके लिए, हमारी रोज़ की ज़िंदगी के लाइफ में हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे थिंग्स में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ कर रहे हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिपुल्शन बिटवीन मैग्नेट्स आर यू. तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्लेव ट्रेन की बात कर रहे हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिपुल्शन बिटवीन मैग्नेट्स आर यूज इन अ मैग्लेव ट्रेन. तो जो प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एंड रिपुल्शन बिटवीन मैग्नेट्स आर यूज इन अ मैग्लेव ट्रेन. रिपुल्शन मतलब चिपकना नहीं, उनके बीच में कुछ टक वो नहीं होना. रिपुल्शन मतलब वो एक दूसरे से मतलब संपर्क में नहीं आते, एक दूसरे से नहीं मिलते, तो एक दूसरे के बीच में उनके बीच में टकराव नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता. तो किसके बीच में, मैग्नेट्स के बीच में और रिपुल्शन बिटवीन मैग्नेट्स. द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिपुल्शन बिटवीन मैग्नेट्स आर यूज इन अ मैग्नेट ट्रेन. ड्यू टू द रिपुल्शन बिटवीन द ट्रेन एंड द रेल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट कम इन टू प्ले एंड द ट्रेन स्लाइड्स ओवर द रेल विद ग्रेट स्पीड. इस मतलब अभी रिपुल्शन ट्रेन और रेल के बीच में कुछ फ्रिक्शन नहीं है. रिपुल्शन मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट कम इन टू प्ले. तो अभी जो ट्रेन है और जो रेल है, जो रेल की पटरी है, तो जो रेलवे है और जो ट्रेन के बीच में कुछ भी टकराव नहीं आ रहा, कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है उनके बीच, वो एक दूसरे से छिपा कर नहीं है, इसीलिए उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से जो ट्रेन है वो एकदम फटक से स्लाइड ओवर कर रही है, आगे बढ़ जा रही है एकदम ग्रेट स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से. द मैग्नेट फिक्स्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ द ट्रेन हेल्प इट टू मूव फॉरवर्ड. तो जो मैग्नेट्स बिठे हैं दोनों साइड पर ट्रेन के, वो हेल्प कर रहे हैं किसको, ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए. टू सी हाउ द मैग्लेव ट्रेन वर्क्स विजिट www.youtube.com टाइप मैग्लेव ट्रेन एंड क्लिक. तो आपको ये सब करना है उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए, कैसा मैग्लेव ट्रेन वर्क करती है. डू यू नो, क्या आपको मालूम है, डू यू नो There is a strip of magnetic material in a ATM card, credit card, etc. where necessary information about the user is stored. तो आपको मालूम है क्या मैग्नेटिक मटीरियल से बनी हुई एक स्ट्रिप होती है ATM कार्ड क्रेडिट कार्ड में, जहाँ यूज़र की एकदम नेसेसरी इम्पोर्टेंट यूज़र की इंफॉर्मेशन उधर स्टोर होती है, तो उसे हम वो स्ट्रिप के अंदर. मैग्नेटिक मटेरियल आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर डेटा इन हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर एंड ऑडियो टेप और वीडियो टेप एक्सेट्रा. तो मैग्नेटिक मटेरियल किसके लिए यूज़ होते हैं, हमें डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करके जमा करके रखने के लिए हार्ड डिस्क के अंदर ऑफ ए कंप्यूटर एंड ऑडियो टेप और वीडियो टेप. ऑडियो टेप क्या है, ऑडियो टेप इज़ अ मैग्नेटिक टेप जिसके अंदर हम कोई भी ऑडियो स्टोर करके रख सकते हैं, जो भी आवाज़ जो भी ऑडियो है वो स्टोर करके रख सकते हैं. और वीडियो क्या है, वीडियो टेप क्या है, वीडियो टेप वो है जिसके अंदर हम अपना वीडियो स्टोर करके रख सकते हैं, वो एक नेचुरल. तो वीडियो टेप के अंदर भी हम कोई भी वीडियो स्टोर करके रख सकते हैं, हमारा इम्पोर्टेंट. तो How is magnetism destroyed? कैसा magnetism destroyed हो सकता है? Magnetism get destroyed when a magnet is heated, thrown, knocked about or broken into pieces. तो magnetism कैसे destroy होता है, जब कोई magnet को heat दिया जाता है, जलाया जाता है, उसे गर्म पना दिया जाता है, जब उसे जलाया जाता है, heat में डाला जाता है और उसे कहीं throw किया जाता है, कभी फेंका जाता है, और knocked मतलब उसके ऊपर पीटा जाता है हथौड़ी से. आप इधर देख सकते हो, इधर मैग्नेट को जलाया जा रहा है, हीटेड किया जा रहा है, और इधर फेंका जा रहा है, और इधर पीटा जा रहा है मैग्नेट को जोर जोर से. तो इसके अंदर क्या, और ब्रोकन इनटू पीसेस, जब उसे छोटे छोटे पीसेस में टूटा जाता है, पीसेस मतलब उसे पीसेस में टुकड़े टुकड़े किया जाता है, पीसेस में उससे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके अंदर देयरफॉर इट, तो उस वो क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म उसके अंदर का डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. मैग्नेटिज्म तो आपको मालूम ही है, जो मैग्नेट का मैग्नेट अपने तरफ
जो भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है उसे, वो मैग्नेटिक फोर्स के उस वजह से हम उसे मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म उसके अंदर आ जाता है। Therefore, it is important to store magnets carefully. तो इसीलिए मैग्नेट को अच्छे से इम्पोर्टेंट से स्टोर करके रखना, जमा करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से केयरफुली। अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस इन द बॉक्स इन विच अ मैग्नेट इज केप्ट। हमें जो मैग्नेट, अगर हम कोई बॉक्स में मैग्नेट रखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या रखना चाहिए? अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का हमें एक छोटा सा टुकड़ा भी रखना चाहिए। द बार ऑफ सॉफ्ट और प्योर आयरन प्रोटेक्ट्स अ मैग्नेट्स। तो जो भी छोटा सा पट्टी होगी या छोटा सा प्योर सॉफ्ट मैग्नेट और प्योर मैग्नेट, एकदम शुद्ध मैग्नेट आयरन रहेगा, आयरन वो क्या करेगा, मैग्नेट को प्रोटेक्ट करेगा, बार मतलब पट्टी प्रोटेक्ट करेगा। Therefore, the bar of soft or pure iron protects the magnet. Therefore, such a bar is called a magnet keeper. तो बार को क्या बोलते हैं हम, जो the bar of soft or pure iron, तो जो भी पट्टी होती है और प्योर आयन होता है, शुद्ध आयन होता है, उसे हमें रखना चाहिए, वो क्या करता है, मैग्नेट को प्रोटेक्ट करता है। छोटी सी पट्टी आयरन की, सॉफ्ट और प्योर शुद्ध आयरन होना चाहिए, उसे हम रखते हैं तो वो मैग्नेट को प्रोटेक्ट करता है। वो बार को हम क्या बोलेंगे, वो पट्टी को हम मैग्नेट कीपर बोलेंगे। तो इधर आप इधर देख सकते हो पिक्चर मैग्नेट कीपर की, तो इसे हम मैग्नेट कीपर कह रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं व्हाट वी हैव लर्न्ड और ऑलवेज रिमेंबर, जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरीज, द नॉलेज वी गेन थ्रू देम, द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स वी डेवलप विद इट्स हेल्प आर ऑल यूजफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ मैन, प्रोग्रेस ऑफ मैन। दे मस्ट बी यूज फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी और इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस। वी मस्ट यूज देम अंडर द गाइडेंस ऑफ आर एल्डर्स। तो वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरीज, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो खोज की है और जो नॉलेज हमने ली है उनके पास से, वो जो नॉलेज ली है, जो ज्ञान लिया है। द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स वी डेवलप, तो जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट निकाले हैं और गैजेट्स निकाले हैं, जो भी थिंग्स निकाले विद द हेल्प ऑफ विद इट्स हेल्प आर ऑल यूजफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ। जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी गैजेट्स हमने बनाए हैं, जो उनकी हेल्प से, उन साइंटिस्ट की डिस्कवरीज, उन्होंने जो खोज की उनकी हेल्प से, मैग्नेट से, जो भी उसकी हेल्प से हमने जो बनाए हैं, वो हमारे ह्यूमन बीइंग के, जो वो हमारे इंसानों के प्रोग्रेस के लिए बहुत यूजफुल है, इंसानों की प्रगति के लिए बहुत वो हेल्पफुल है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो दे शुड बी यूज फॉर अ गुड ऑफ मैनकाइंड, तो उन्हें अच्छी ज़रूरत के लिए ही हमें यूज़ करना है। हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं, वाइल वी वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, हमें सावधानी बरतनी चाहिए और विद अदर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस से जब हम काम करते हैं, हमें जब वाइल वर्किंग जब हम काम करते हैं, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। वी मस्ट यूज़ देम, कुछ भी हमें अच्छे से करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ देम अंडर द गाइडेंस ऑफ आर एल्डर्स, तो हमें उसे यूज़ करना है अपने एल्डर के गाइडेंस से, एल्डर्स का पहले से पूछताछ कर लेनी चाहिए अपने बड़ों से, फिर ही हमें उसे यूज़ करना है। व्हाट वी हैव लर्न, क्या हमने लर्न किया है, ये तो क्या था, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्न। तो आयरन निकल कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक, तो आयरन निकल कोबाल्ट क्या है, मैग्नेटिक मेटल्स है, मैग्नेटिक मेटल्स है ये सब। मैग्नेट सेटल अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब हम मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली, छोड़ देते हैं फ्रीली, सस्पेंड कर देते हैं, तो उस छोड़ देना सस्पेंड मतलब जब हम खुला उसे छोड़ देते हैं, तो वो कौन से डायरेक्शन में सेटल होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल होता है। मैग्नेटिज्म इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पोल्स, तो मैग्नेटिज्म कहाँ होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पोल्स ही होता है।
हमें एक्टिविटीज भी देखें। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि पोल्स ऑफ मैग्नेट कभी भी सेपरेट नहीं होते, चाहे आप उसे कितना भी कट कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज यूज इन आर डे टू डे लाइफ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है वो अपने हमारे डे टू डे लाइफ रोज की जिंदगी में यूज हो रहे हैं। साइंस वॉच, साइंटिस्ट हैव मेड मैनी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स टूडे। नाउ कैन आई बिकम अ साइंटिस्ट टू, हाउ शुड आई प्रिपेयर टू बिकम अ साइंटिस्ट। रीड स्टोरीज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, ट्राई आउट वेरियस एक्टिविटीज एंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैम, पॉन्डर ओवर योर एक्सपीरियंस। तो आपको साइंस वॉच दिया गया, साइंटिस्ट हैज मेड मैनी डिस्कवरीज, तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी खोज की और बहुत सारे इन्वेंशन किए, बहुत सारी चीज बनाए, ऑन विच आर लाइफ डिपेंड टूडे, तो जिसके ऊपर हमारी लाइफ पूरी डिपेंड है टूडे। नाउ आई कैन बिकम अ साइंटिस्ट, तो आज हम साइंटिस्ट बन सकते हैं पढ़कर, किस कैसे बन सकते हैं, हाउ शुड आई प्रिपेयर टू बिकम अ साइंटिस्ट, क्या हमें करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए हम अपने आप को साइंटिस्ट बनाने के लिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रीड स्टोरीज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी, जो भी साइंटिफिक खोज की है और इन्वेंशन नए नए इन्वेंट हुए हैं उसके हमें स्टोरीज पढ़ना चाहिए, तो उससे हमें मालूम पड़ेगा। ट्राई आउट वेरियस एक्टिविटीज एंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैम, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेज उसके ट्राई करनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या। पॉन्डर ओवर योर एक्सपीरियंस, पॉन्डर मतलब डिपेंड है आपके आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, वो डिपेंड है कि आप कैसे सोचते हो और कैसे उसे कर पाओगे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हमारा ये लेसन जो है ख़त्म हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल रेडियो केयर।